मैडम ये रूटिंग रिफ्लेक्स कराया था उन्होंने, सकिंग रिफ्लेक्स कराया था। रूटिंग रिफ्लेक्स कैसे करते हैं? इफ़ यू टैप द बकल तो वो दे बी विल टर्न टूवर्ड्स योर फिंगर, दिस इज रूटिंग। सकिंग सिंपली आप उसको हार्ड वैलेट को करोगे टिकल तो इट विल बेबी विल स्टार्ट सकिंग। एनीथिंग एल्स? देयर आर टू रिफ्लेक्सेस, रूटिंग, ग्लैबेलर। मैम यहां पे ग्लैबेलर देयर आर टू। ये इतना हेल्प हैजर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अभी न्यू बॉर्न रिसस्टेशन भी करनी है, टॉपिक जरा बड़ा है, लेकिन आपको बता दूं कि देयर आर 12 और 13 न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, ठीक है? एंड मोस्ट ऑफ देम विल गो एट 6 to 8 weeks, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है? बट ओनली 2 रिफ्लेक्सेस आर लाइफ लॉन्ग। और बताए पैराशूट रिफ्लेक्स और शी इज राइट ग्लांट रिफ्लेक्स, जो इसने ग्लैबेलर बताया, ग्लैबेलर रिफ्लेक्स भी। अभी मैं इसको भी करूँगी तो ये भी आईज क्लोज करेगी ना, और अभी हम में से कोई भी छत से छलांग लगाएगा तो पैराशूट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, ये तो मूवीज में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है? तो ये 2 रिफ्लेक्सेस जो है ना ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं। रूटिंग सकिंग रिफ्लेक्स विल गो, ठीक है? रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्स हो गया, दिस इज ग्लैबेलर एंड रिफ्लेक्स उसकी आइज क्लोज करेंगी, ठीक है? मोरोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यूजली राउंड्स कर रहे होते हैं, सिंपली एक मोरोज रिफ्लेक्स ही कर रहे होते हैं, ठीक है? वो आपको सी एन एस स्टेटस का ज़्यादा अच्छा बताता है, 4 to 6 मंथ्स पर यह भी चला जाता है, ठीक है? मोरोज कैसे करते हैं, एक मोरोज ज़रा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप करवा देती हूँ। इसको आप 45 डिग्री पे लाओगे, यू आर गोइंग टू टेक इट ऑन द 45 डिग्रीज एंड आपने इसको अपने ही हाथ पे ये करना, ठीक है? इससे होगा क्या, एडक्शन एंड एक्सटेंशन फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन, ठीक है? इफ इट विल नॉट अकर तो इट मीन्स कि बेबी हैज सम सीएनएस प्रॉब्लम। इफ इट्स यूनिलैटरल फिर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो इट कुड बी एनी नर्व इंजरी जो एसवीडी के ड्यूरिंग होती है, नर्व इंजरी की वजह से वो एल्ब्स में आ सकते हैं। एल्ब्स हो सकता है, क्लम्पीज रिफ्लेक्स होता है। एल्ब्स में होता क्या, ये वेटर टिप्स एल्ब्स को ही कहते हैं ना, कैसे पोजीशन कैसी होती है उसकी, अब रिस्ट जो होगी फ्लेक्स्ड होगी, ये जो है ये प्रोनेशन होगी और इसकी क्या होगी एडक्शन, दिस इज द एब्स। एब्स के साथ अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आए ना तो इट मींस के C3 C4 भी इन्वॉल्व हो गए हैं, फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है? आप लोगों के लेवल पे इतना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया? मोरोज हो गया, ग्लैबेलर हो गया, सकिंग हो गया, रूटिंग हो गया, और कौन सा प्लांटर एंड पम्पर्स, यू आर गोइंग टू गिव your little finger to the baby and it will grasp. This is the grasp reflex. Anything else? He will, the baby will like this. पूरा तो नहीं कर सकेगा लेकिन वो flex करेगा, ठीक है? एक होता है placing reflex. You will touch the under table with the foot and the baby try to put on the table. So कहते हैं stepping or placing reflex, both of these will be checked on this. Anything else? कितने हो गए reflexes? गिनो, rooting हो गया, sucking हो गया, rooting हो गया, morals हो गया, parachute हमने discuss कर लिया, grasp हो गया, planter हो गया, stepping हो गया, placing हो गया, 9 हो गए। और anything else? एक reflex होता है कि आप ना you will turn the head of the baby towards one side. The side towards you are turning the head of the baby, it is extended and the other will flex. Iska naam dekh lena hai mujhe. Haan? Kaun sa? Ek aur hai glant reflex. Haan, tonic neck reflex. Iska ye naam. 10 ho gaye. Ek hai glant reflex ya spinal. You will stroke the side of the spine. ठीक है, तो बेबी विल कर्व दैट साइड स्लाइटली, यानी वो स्पाइन की साइड, इसको कहते हैं ग्लांट रिफ्लेक्स, ठीक हो गया? तो ऑलमोस्ट 11 रिफ्लेक्स हो गए, ये मेन मेन रिफ्लेक्स आपको आने, ठीक हो गए?
अब आपने CNS एग्जामिनेशन में न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस कर लिए, बेबी के लिए ये भी बहुत फाइन है। आप सिंपली टोन देख सकते हो, मूवमेंट्स बॉडी की देख सकते हो। आप बड़ों में जैसे एग्जामिन करते हो ना CNS को, वैसे नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। आपने रिफ्लेक्सेस देख लिए, नाउ वील गो टूवर्ड्स द टोन ऑफ द बेबी। इट कैन बी हाइपर टोनिक, इट कैन बी हाइपोटोनिक, ठीक है। वेन यू विल डू मोरो, तो हाफ ऑफ द थिंग्स विल बी चेक, टोन, मोरोज रिफ्लेक्स, एक्टिविटी, क्राई, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी चेक, ठीक है। एंड उसके अलावा चेस्ट एग्जामिनेशन, CVS एग्जामिनेशन सेम आपने करना होता है, वही एरियाज ऑस्कल्टेशन है। यूजली आप पल्स से और रेस्पिरेटरी रेट से आदि चीज़ों को एग्जामिन कर लेते हो। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में वही एग्जामिनेशन है, बाउल साउंड जो वो आप ऑस्कल्टेट करोगे, लेकिन एब्डोमन भी आप हाफ द थिंग्स यू विल चेक फ्रॉम द डिस्टेंशन, हाइपरीमिया, एनीथिंग एल्स। एनल पेटेंसी आपने ज़रूर चेक करनी है, जेनिटेलिया को ज़रूर देखना है, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर दिस। तो थ्री चीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर इन द न्यूनेटल एग्जामिनेशन: वाइटल्स, सिस्टम एग्जामिनेशन एंड हेड टू टो एग्जामिनेशन। दीज थ्री एग्जामिनेशन यू शुड नो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन, यू हैव टू मिनट्स वेट कर लेते हैं, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है। बैयर्स किसको कहते हैं? बेबी न्यू बॉर्न बेबी में द फोर्थ थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो एंथ्रोपोमेटिक बैयर्स। उसमें चार चीज़ें आप कर लो एनफ है। हेड सिम्फ्रेंस आप लोगों ने हमने डिस्कस कर लिया, 32 to 37। लेंथ कैसे लेते हैं? इन्फेंटोमीटर होता है उसमें। इन्फेंटोमीटर नहीं है मेरे पास, तो वो दोनों साइड्स पर आप लेके देखो कैसे लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, शीट्स ले लो बेटा। बेबी को पहले बिल्कुल सीधा लिटाएंगे, ठीक है। एक बुक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, किसी और को मतलब कह रहे हैं ना, और वो आप पकड़ लो या वो टेप से मैं ये कर लो बस। एक इम्प्रूवमेंट हम कर लेते हैं इन शीट्स के रखने का, मकसद पता क्या है कि बेबी जो है ना वो हिलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू इसको फुल फ्लैज आपने सीधा करना है। यहाँ एक रखेंगे शीट और यहाँ एक शीट रखेंगे। यू हैव टू मार्क हियर, वंस यू हैव मार्क यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ के अभी हिल गया बच्चा, ठीक है। तो इसको आप रिमूव कर दो। नाउ यू आर गोइंग टू मेजर द मार्क इन इवन इन द 2 years, 3 years बेबी इन अडल्ट, बच्चे जो न्योनेटल एज से बाहर हैं उनको भी जब आप इधर हाइट मेजर करते हो मार्क, तो यू हैव टू मार्क एंड देन लेट द चाइल्ड गो एंड देन मेजर इट, ठीक है। इट विल गिव अ मोर बेटर मेजरमेंट। एंड थर्ड थिंग, वेट करना तो बहुत आसान काम है। यूजुअली कितना होता है न्यू बॉर्न वेट? 2.5 to 3.5 से कम है तो लो बर्थ वेट है, फिर आप 2 से कम कर लो तो वेरी लो बर्थ हो जाता है, और फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ, और फिर इनक्रेडिबली लो बर्थ हो गया, ठीक है। इन 7 मेरे ख्याल में 700 ग्राम से नीचे आ जाए तो इनक्रेडिबली हो जाता है, 1 kg से नीचे आ जाए तो एक्सट्रीमली हो जाता है, और बाकी वही है। 2.5 to 3.5 इज द कट ऑफ। 3.5 से ऊपर है तो मैक्रोसोमी लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक हो गया। लेंथ कितनी होती है यूजुअली? 50 सेंटीमीटर यूजुअली 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एनीथिंग एल्स तो रह ही हो, आप लोगों को लग रहा है कुछ रह गया? मेडम सर्कमफेरेंस वो ज़्यादातर हम जब करते हैं जब मैल न्यूट्रिशन हमने देखा हो, ठीक है। न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन में इतना प्रेफर नहीं करते। हेड सर्कमफेरेंस आपको बताओ, आपने मेजर करना है ना, अगर यू हैव टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द बेबी तभी आपने आगे जाके हेड सर्कमफेरेंस और लेंथ से ही करना है, ठीक है। अगर कल को स्टेशन आता है न्यू बॉर्न एग्जामिनेशन का, आप लोग कर सकोगे सिस्टमेटिकली? क्योंकि हो सकता है, ये मैं बताऊँ, ठीक है। एक रिसेस का और एग्जामिनेशन का स्टेशन जरूर है, ठीक हो गया। अब रिसेसिटेशन कर लेते हैं। रिसेसिटेशन हाफ